हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी की, और हेडलाइन को देख सकते हैं कि अदानी की कंपनी को बांग्लादेश ने नहीं चुकाए पैसे, अब बिजली कटौती का सता रहा डर। कौन सी है कंपनी वो हम देखेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और यहाँ पर जो है हमारे नए व्यूअर्स के लिए, अब हमारे दूसरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ये परसों का स्टॉक है और कल के दिन इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, 9% के आसपास की, 161 रुपये के आसपास का हाई बनाया। सो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आज या कल भी अगर ऐसे कुछ स्टॉक हमारे नज़र के ऊपर आएंगे तो वो भी हम शेयर करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए, जिसके अंदर तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए आप, कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या ना ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कि अरबपति गौतम अदानी की कंपनी अदानी पावर का बांग्लादेश पर $800 मिलियन से अधिक का बकाया है। आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखें। $800 मिलियन, यानी कि ये बड़ी रकम है। और तकरीबन अगर इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो 6,500 करोड़ रुपये के आसपास बड़ी रकम है। तो उतना जो है रकम बकाया है, और बांग्लादेश की ओर से इस बकाए का भुगतान नहीं किया जाता है तो अदानी पावर देश में बिजली की आपूर्ति को रोक सकता है। बता दें कि बांग्लादेश राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, और बीते कुछ हफ्तों के हिंसक विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए। वहीं अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। वो जो पहले मैडम थी, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो है अच्छी थी, लेकिन वो उसके बाद जो है वो अंतरिम सरकार जो उनका जो गठन हुआ है, तो वो जो है अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुकी है इसके अंदर। बांग्लादेश ने क्या कहा ये यहाँ पर देख लेते हैं, उनके बैंक गवर्नर ने, कि बांग्लादेश बैंक गवर्नर के बैंक के नवनियुक्त गवर्नर एहसान एच मंसूर ने ब्लूमबर्ग न्यूज़ को साक्षात्कार में बताया कि अगर हम उन्हें भुगतान नहीं करते हैं तो वे बिजली देना बंद कर सकते हैं या कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अदानी पावर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ बातचीत कर रही है। अदानी समूह के प्रतिनिधि ने बांग्लादेश के बकाया पर टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया है। और इस बीच शुक्रवार को अदानी पावर का ये शेयर की यहाँ पर बात हो रही है। इसके ऊपर हम डिटेल में चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे इसके बाद के वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आने वाले सप्ताह में कहाँ प्राइस इसका जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2022 में शुरू हुई परियोजना, इस पॉइंट को ज़रा देखें कि साल 2022 में गोडा बिजली परियोजना के चालू होने के, और बांग्लादेश के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए एक्स पर एक पोस्ट साझा किया कि प्लांट ने पिछले साल अप्रैल में, यानी कि ये तब की आई थिंक यहाँ पर बात हो रही होगी, कॉमर्शियल परिचालन शुरू किया था। और अदानी पावर और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के अलावा एनटीपीसी लिमिटेड सहित भारत की कुछ अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां भी बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करती है। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि उन कंपनियों पर कुछ बकाया भी है या नहीं। बता दें कि अदानी समूह लगातार भारत के पड़ोसी देशों में विस्तार कर रहा है, और इसी कड़ी में समूह ने बांग्लादेश के अलावा जो है श्रीलंका, भूटान और नेपाल में भी जो है कारोबारी संभावनाएँ तलाशी है, और इसे मुकम्मल स्थान तक पहुंचा दिया है। और ये इसके शेयरों का हाल, जो कि 675 के आसपास की क्लोजिंग रही। इसके ऊपर डिटेल में चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। एक और खबर भी आई थी कि इसके प्रमोटर जो है स्टेक सेल कर सकते हैं, साथ साथ अब ये खबर आई है, और इससे जो है काफ़ी फर्क पड़ सकता है। अगर ये रकम आती है तो शेयर के अंदर तेज़ी भी आ सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम है, 6,500 करोड़ रुपये के आसपास। लेकिन हो सकता है उसके अंदर थोड़ी सी देरी लगे, अगर नहीं आती तो थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। सो ये इसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। फंडामेंटली देखें तो इसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये पैसे बकाया है इसका। सो ओवरऑल जो है चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, और इसके ऊपर कुछ और अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो सपोर्ट एरिया है अभी भी वो करीब हो सकता है 640-600 रुपये के आसपास का जोन, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।